अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट यूके होम ऑफिस की जानिब से निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी, जिनमें यह था कि 70,000 के करीब ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनकी जानिब से एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था, ख़ासतौर पर एमपीज़ और वुज़रा की जानिब से, कि इनको काम की इजाज़त दी जाए। तो इससे मुतलक बड़ी और अहम पेशरफ्त देखने को और सुनने को मिल रही है, वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए बेल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ निकल कर आई है कि जैसा कि काफ़ी ज़्यादा यूके होम ऑफिस की जानिब से लेटर्स भी जारी किए जा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट्स जिनकी 70,000 के करीब ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, इनसे मुतलक बड़ा और अहम बयान सुनने को और देखने को मिल रहा है। वो ये है कि बहुत जल्द होम ऑफिस इन पर काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि इन तमाम तर इलीगल इमिग्रेंट्स जिनकी अभी तक एप्लीकेशनें काम की इजाज़त के हवाले से पेंडिंग पड़ी हैं, तो आने वाले दिनों में इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं, तो उनके लिए लाजमी तौर पर इनमें से देखा जाएगा इन तमाम तर एप्लीकेशंस में से जिनके एक्सपीरियंस वगैरह हैं डिफरेंट शोबा जात में, और जिन्होंने काम की इजाज़त भी मांगी हुई है, जिन्होंने मुकम्मल कागजात के साथ एप्लीकेशन जमा कराई हुई हैं, तो उनके लिए यूके होम ऑफिस लाजमी तौर पर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा काम करने वाला है, यानी कि अहम ऐलान करेगा, जिसमें कुछ ऐसे अफराद होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, उनको काम की इजाज़त दी जाएगी डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट शोबा जात में। तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर जारी हुई है ख़ास तौर पर यूके होम ऑफिस की जानिब से। अभी तक ये बयानात सुनने को मिल रहे हैं, जैसे ही कि वुज़रा की जानिब से और अहम वुज़रा की जानिब से और एमपीस की जानिब से कहा गया था, ख़ासतौर पर वज़ीर ख़ारजा जो उसके सबका रह चुके हैं उनकी जानिब से भी कहा गया था कि हुकूमत को अगर इन सिचुएशन में से निकलना है तो हुकूमत को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे तो ही ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकल सकती है। तो फ्रेंड, वो इलीगल इमिग्रेंट जो कि स्किल्ड हैं, यानी कि जिनके पास किसी न किसी किस्म की स्किल्ड है किसी काम की, तो उनको लाजमी तौर पर होम ऑफिस की जानिब से अब लेटर जारी किए जाएंगे, ख़ास तौर पर इन 70,000 एप्लीकेशंस की जानिब से जो कि पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उनके लिए। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट ख़ास तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि कब से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में होम ऑफिस की जानिब से एक अहम अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी। इस अहम अनाउंसमेंट के पीछे जो आवाज़ बुलंद की गई है, जो कि वुज़रा और एमपीस की जानिब से की गई है ख़ास तौर पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूके जो सा है क्रिसमस के मौका पर ऐसी टफ सिचुएशन में ना जाए। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।